कितने घर बदले अभी तक? अब तक 6 घर बदले, 4 साल में, और उसमें भी आप 400 यूरो दे रहे हो। ओ माय गॉड यार, डिपॉजिट दे दिया अगर फिर उसके बाद डिपॉजिट फंस जाते हैं, जिस बंदे के थ्रू तुम आए थे वो बंदा पता चला। व्हाट फ्रेश एडवाइस डू हैव फॉर देम? Alright guys, so welcome back once again. If you're somebody new to my channel, my name is Niklesh and I'm here with my friends in Berlin. I'm at Warschauer Straße. What you see behind me is Uber Arena. आज का वीडियो स्पेशली आप अगर 2024 में विंटर इनटेक में आ रहे हो और एकोमोडेशन की कुछ स्कैम कहानियां आप सुनना चाहते हो रियल लोगों से, तो मेक श्योर दैट यू वॉच टुडेज़ वीडियो टिल द एंड। पहले तो ये बताना कितना टाइम हो गया जर्मनी में? ये तो 2 साल हो गए। 2 साल हो गया, 6 months, 4 years, 2 साल और 4 years वाले बंदे भी खड़े। आई विल कम टू यू, बट हैज एनी ऑफ यू एक्सपीरियंस्ड एकोमोडेशन ढूंढते हुए, या आपके साथ स्कैम हो गया, या बाद में पता चला ओ माय गॉड ये क्या कर लिया मैंने? एनीबॉडी कैन स्पीक। बहुत सारे किस्से हैं वैसे तो, बट मुझे याद आ रहा है वो मैं बताना चाहूंगा। एक बार मैं जब इंडिया में था, व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर अपार्टमेंट्स, मैं फेसबुक से करता था एंड दे यूजुअली आर लाइक वी आर नॉट इन टाउन, वी माइट नॉट बी एबल टू शो यू हाउसेस और वीडियो कॉल यू, सो यू कैन जस्ट सेंड अस योर डिपॉजिट and you will get the unmeldung is like city registration. So वहाँ पे इसलिए लोग मेरे को एक reference था यहाँ पे, वो उसने मुझे बहुत help किया, तो he told me it's a scam। और दूसरा मैं बताना चाहूँगा, मेरे साथ तो नहीं हुआ but मेरे एक friend के साथ हुआ था। he was a full timer, उसने एक proper घर ढूँढा, he literally went to visit the house, सब हुआ and literally he paid the deposit, the first month's rent, और जब भी जब मूव इन का टाइम हुआ कीज लेने का, नो वन देयर, घर देखने के बाद भी भाई गायब हो गए। वो घर देखने गया था और घर देखने के बाद भी गायब हो गया, वो बंदा गायब हो गया एंड वो घर किसी और के नाम पे था। आई डोंट नो हाउ दिस स्कैम वेंट बट यस इट वाज। पैसे का लॉस कितना हुआ था? मुझे लगता है 4,000 यूरो का हुआ था। 4,000 यूरो? वो कैसा था, वो फुल टाइमर था एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग हिज वाइफ टू कम, तो उसको बड़ा घर लेना था, तो डिपॉजिट के समझो 2,000 है, 1,000 इसका, फिर यहाँ पे ऐसा है कि घर ले रहे हो तो वहाँ पे किचन विचन जो किया रहेगा उसके भी पे करने पड़ते हैं, सब करके 4,000 का पट्टा लग गया। अरे भाई, ओके, तुम लोग तो अभी मतलब समर इनटेक 2024 में आए हो, तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? घर मिल गया था आने से पहले? आने से पहले मिल गया था। लकीली हम लोग को मिल गया था, वो भी ऐसे कनेक्शन और फ्रेंड्स के थ्रू, बट बहुत लोगों को नहीं मिलता है, बहुत लोग ढूंढते रह जाते हैं और फेसबुक में ऐसे सब ग्रुप पेजेस होते हैं, उधर स्कैम्स होते हैं तो उसमें फंस जाते, तो वो दिक्कतें हैं इधर। बट अकोमोडेशन का ऊपर से अभी ये नया आ गया है कि बहुत कम अकोमोडेशन है, और तो उसकी वजह से ये कमीशन लेना चालू कर दिया, तो हाई कमीशन भी है। अच्छा, कमीशन देके आया तू? मैं नहीं देके आया। अच्छा, बट अभी आफ्टर मी जो मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं, तो जैसे मेरे को किसी फ्रेंड ने रेफर किया तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि मेरे किसी फ्रेंड को मैं रेफर कर दूँ जो आने वाला, तो जो भी उनके लिए मैं घर ढूंढ रहा हूँ या देख रहा हूँ, तो सब लोग बोलते रेंट ही 400 है, बट एक मंथ का रेंट तेरे को कमीशन देना पड़ेगा, 400 रेंट ही 400 और तेरे को कमीशन ही 400 देना पड़ेगा। अच्छा, तो इतना हाई कमीशन है, तो घर सब कुछ, आपको घर पसंद आ गया, सब कुछ हो गया, आपको शिफ्ट करना है, फिर कमीशन पता चलता है एक मंथ रेंट है। अच्छा, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और जो बाकी स्टूडेंट डॉम्स है, जो रेगुलर स्टूडेंट्स आना चाहते हैं स्टूडेंट डॉम्स में, वो एक एक डेढ़ डेढ़ साल आगे तक डेट्स फुल रहते हैं, उधर तो मिलना बहुत मुश्किल है। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट जो भी आएगा नया नया, तो अगर वो नहीं मिल रहा है तो प्राइवेट अकोमोडेशन के लिए ही जाएगा, अभी वही आखिरी रास्ता बचेगा। तो उधर जाते हैं तो वो बड़े बड़े डिपॉजिट्स होते हैं, और तुम डिपॉजिट दे दिया अगर फिर उसके बाद तुमको एक डेढ़ साल बाद तुमको घर शिफ्ट करना है, तो तुम्हारे डिपॉजिट फंस जाते हैं, जिस बंदे के थ्रू तुम आए थे वो बंदा पता चला वो बर्लिन में रहता ही नहीं, वो किधर और ही है, तो उसके बाद आपके डिपॉजिट आपको वापस चाहिए, तो आपके पैसे फंस जाते हैं। ऐसे सब बहुत चीज़ें हो रही है, और ये ब्रोकर्स होते हैं बीच में, वो बोलते हैं हमको कमीशन दे दो, हम आपको बहुत सस्ते रेंट में अच्छा खासा घर दिखा देंगे, और फोटोज वोटो सब दिखा देते हैं। एज सून एज यू गिव कमीशन, वो कमीशन लिया दूसरे दिन फ़ोन स्विच ऑफ, व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं जा रहा कुछ, वो ऐसे भी बहुत सारे मैंने देखे। तो वही जो फ्रेंड के थ्रू या किसी पर्सन को आप पर्सनली जानते हो उसके थ्रू लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, अभी रेंट कितना है? 400। और प्राइवेट रूम है? यप। अकेले का खुद का रूम है? नहीं, 3 शेयरिंग रूम है। एक रूम में 3 लोग? यप। और उसमें भी आप 400 यूरो दे रहे हो? 400 यूरो। ओ माय गॉड यार, तेरा?
Mine is 450. I'm living in double sharing, so it's around 450 around. So I got this room through a friend only, because I was searching for apartments at the time which I was going to come over here. And then, but there I have seen some pages HTW, but HTW is always waiting. And then there was a Facebook thing also which was going on, and I had liked a room around. And you know, I emailed them with the details and all, everything with the photos and all. So, but they do a trick. They say that the financer is coming. The owner is not in Berlin. That is, I am not in Berlin. That you have to give your money to my financer, and you have to send this money to this account and this, that. And so this is all scams are going on. Facebook. Trick is a trick. Yeah, this is a trick. This is a total trick of theirs. Please don't fall into this trap of this. Go follow proper references through a friend, or maybe you must get good site. There are good sites also. That maybe you can, maybe Nicholas can link it in the description. So there are good sites for accommodation. So for you, it's already been 4 years in Germany now. How many houses have you changed until now? I have changed 6 houses. 6 houses have changed in 4 years? Yes, in 4 years. Okay. 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 And how much is the current rent? I am giving 400. Okay. Okay. जो नए लोग आ रहे हैं, what fresh advice do you have for them? One fresh advice I would give, that is you need to search the market thoroughly just before with your leads, like with your friends. पहले आपके दोस्त लोग से ही जो यहाँ पे रह रहे हैं, या जो दोस्त के दोस्त यहाँ पे रह रहे हैं, उनसे लीड्स लो. क्योंकि यहाँ पे 4 साल हो गए मुझे, और यहाँ पे मुझे अच्छे से पता है कि अगर 1 BHK आप लेते हो, उसका रेंट आप 650 मैक्सिमम होता है. अच्छा. मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ अभी. हाँ. अभी मेरी एक कलीग है, उसने रिसेंटली मूव इन किया टू अ न्यू अपार्टमेंट, एंड उसका रेंट ही 650 है. दैट टू फॉर अ वेल फर्निश्ड 1 BHK अपार्टमेंट. दैट्स द कोल्ड रेंट, बट वार्म रेंट कम्स अराउंड 750. दैट्स फीजिबल, यू कैन से, फॉर अ होल फैमिली. ओके.